नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे और पाकिस्तान रेलवे के बीच की तुलना के बारे में। हम देखेंगे कि दोनों देशों का रेलवे सिस्टम में क्या अंतर है और कौन सा सिस्टम सबसे बेहतर है। वीडियो टिल द एंड जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भारतीय रेलवे की बात करते हैं। भारत के रेलवे नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है। इसके पास 1,39,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और हर साल लगभग 23 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रेलवे में 8,000 से भी ज्यादा ट्रेन चलती हैं, जिनमें से कुछ ट्रेनें दुनिया की सबसे लंबी भी हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे की ट्रेनों में बहुत सी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, वाईफाई और ऑनबोर्ड कैटरिंग। और अभी तो भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक लग्जरियस ट्रेन चलाई है, जो हमें कम से कम तक हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है, और उसमें एक से बढ़कर एक लग्जरियस सुविधाएं हमें मिल रही है। अब हम पाकिस्तान रेलवे की बात करते हैं। पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क में लगभग 12,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और हर साल लगभग 5 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान रेलवे में 228 ट्रेनें ही चलती हैं और उनमें से कुछ ट्रेनें भी ऐसी हैं जो पूरी तरह से एयर कंडीशन नहीं होती है। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन में कैटरिंग की सुविधा भी काफी कम है। अगर हम देखें तो भारतीय रेलवे के पास पाकिस्तान रेलवे से काफी बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे की ट्रेन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इसमें पैसेंजर्स का ख्याल रखने की कोशिश पूरी तरह से की जाती है। और पाकिस्तान में आपको कोई हाईटेक या फिर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ कोई भी हाई स्पीड ट्रेनें नहीं है। पाकिस्तान में रेलवे के रिटायर कर्मचारियों को कोई पेंशन तक नहीं मिलती है, और वहीं भारत में रेलवे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। और आज के समय में कई सारी हाई स्पीड ट्रेनें चल रही है। तो इस प्रकार दोनों देशों का रेलवे सिस्टम में काफी अंतर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।